दोस्तों, जैसे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर के साथ फोटोस्टेट मशीन कैसे कनेक्ट की जाती है। जैसे कि IR6000, IR3300 कैनन मशीन, मल्टीनेशनल मशीन, फोटोस्टेट मशीन। मतलब कि ये देखो, ये चाय मशीन, फोटोस्टेट की मशीन दिखाई दे रही है। कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट फोटोस्टेट, ठीक है, सेकंड, ठीक है। जैसे कि हमने इसको जोड़ना, मतलब एक ही कमांड कंप्यूटर से सभी चले, एक ही कमांड फोटोस्टेट की सभी मशीनों से कनेक्ट हो गई। हाँ, तो ये मैं तो एक ही दिखती है। हाँ हाँ, बताइए बताइए। जैसे कि सर, फर्स्ट कंप्यूटर में, हाँ जी हाँ जी, माई नेटवर्क प्लेस, ठीक, माई कंप्यूटर में कहाँ जाना उसके बाद? माई कंप्यूटर में सर, माई नेटवर्क प्लेस, नेटवर्क प्लेस। ये विंडो XP में चलेगा? विंडो XP 7। अच्छा, सभी में चलेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ठीक है, फिल आईपी एड्रेस। अच्छा, आईपी एड्रेस नेटवर्किंग में जाकर अपने आईपी एड्रेस डाल देने हैं। पंकज जी, ये एक बात बताइए, ये एक तरह का दो कंप्यूटर को जोड़ने जैसा ही है? सेम वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलता नेटवर्क सिस्टम से। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आईपी एड्रेस डाल दिया हमने। हाँ, आईपी एड्रेस, जैसे कि ठीक है, मैचिंग होता है 192, ठीक, .192.192, मतलब उसके अगर हम तारें इसके साथ जोड़ेंगे तो वो अपने आप पूछेगा। ये कंप्यूटर का सर आईपी एड्रेस है। ठीक ठीक ठीक। और ये थर्ड पॉइंट सर, हाँ, फोटोस्टेट मशीन का, ठीक, ये सेम ही चलेगा आईपी एड्रेस सभी मशीन में, ठीक। मशीन का नीचे गेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, गेटवे वगैरह सब कुछ सेम रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब कि आप हमें क्या शो होगा इसके बाद? जैसे ये दोनों मैंने आईपी एड्रेस डाल दिए, कंप्यूटर का भी। और फिर आईपी एड्रेस डाल देते हैं सर, फोर पॉइंट पे हमने ये देखना नीचे से नेटवर्क प्लेस जो कनेक्ट हो चुका है। नहीं, ये जो आपने फोटो स्टेट आईपी एड्रेस डाला है, ये चार मशीनों का एक ही है कि अलग अलग है? एक ही होता सर। एक ही होगा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और सर, इसमें हमारा फोर स्टेप हमने ये देखना है, जो हमारा लैन सिस्टम है, हाँ जी, वो कनेक्ट होगा, उसमें रिसीविंग आने लग गई है। अच्छा, लैन सिस्टम, लैन सिस्टम, ठीक। ये कहाँ पे होता है, मतलब कि माई कंप्यूटर नीचे, नीचे? अच्छा, जो डेस्कटॉप होता है नीचे, नीचे से आइकन शो करता, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अच्छा, इसमें हमने रिसीविंग देखनी है सर, रिसीविंग हो रही है, रिसीविंग हो रही है, ठीक ठीक है। मेन यही है, अगर रिसीविंग हो रही है तो समझो हमारी फोटो, जैसे नेट आ रहा है वैसे पता लगता है, रिसीविंग, ठीक 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 है। ये कनेक्टिविटी का पॉइंट है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये वैसे ही है जैसे प्रिंटर ऑन करते हैं वैसे ही सिस्टम चलता है? नहीं सर, ये चलता है सर, अभी फोटोस्टेट मशीन जब कनेक्ट होती है ना सर, तो रिसीविंग शो करती है, ठीक है, कंप्यूटर में दो, ठीक, एक लाइन का लैन कार्ड एक्स्ट्रा चाहिए होता है। अच्छा, एक लैन कार्ड हमें एक्स्ट्रा डालना है, वो अपने कंप्यूटर में डालना है। हाँ, अगर एक तो बोर्ड का होता है, मदरबोर्ड का साथ में होता है, एक इंटरनेट का भी होता है लैन कार्ड, इंटरनेट का होता है सर, एक मदरबोर्ड में एक ही होता है, उसके अलावा हम अलग लगा सकते हैं लैन कार्ड, ठीक है, वो फोटोस्टेट मशीन के लिए, फोटोस्टेट मशीन के लिए, या वैसे लैन सिस्टम, ठीक 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 ठीक। अब तो वाईफाई चिप आ गई, वो ठीक है। अच्छा, वाईफाई चिप आएगी, उसको लगा के हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। मतलब ये पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि वाईफाई चिप होना जरूरी है? नहीं, वाईफाई का ऐसा है सर, वाईफाई की अलग ऑप्शन उसमें डलती है मशीन। अच्छा अच्छा, ये बेस्ट है, इससे मशीन की स्पीड अच्छी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जैसे आपने कहा कि पहले, सबसे पहले लैन कार्ड होना चाहिए। हाँ, लैन कार्ड तो मदरबोर्ड में होता ही है सिस्टम, ठीक 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 ठीक। अगर नहीं होता, ठीक, बंदा ऐसा होता है सिस्टम, हम मैसेज लाते हैं कि एक तो नेट की तार लगा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक अब लाइन कार्ड है नहीं तो एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेन ये चार पॉइंट है, मीन्स नेटवर्क में जाइए, हाँ, नेटवर्क में, उसमें आईपी एड्रेस डाल दे, आईपी एड्रेस में सबसे पहले होगा 192 आईपी एड्रेस, ठीक 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 है, 192 192 192
फिर उसके बाद फोटो फोटोस्टेट मशीन का होता है लेंस सिस्टम, ठीक है, ठीक है, फिर लेंस सिस्टम से चेक करें कि आ रहा है कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, है। अच्छा उसके बाद ड्राइवर, इसको कहते हैं फोटोस्टेट ड्राइवर, ठीक है, ये फोटो स्टेट मशीन के मॉडल्स हैं, ठीक ठीक ठीक, IR 6000 कैनन, ठीक है, कैनन IR, ये फोटो स्टेट के बेस्ट मॉडल हैं सर, ठीक ठीक, अभी ये बेस्ट दोनों को ऐसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक ठीक, ये दोनों की कनेक्ट, इसके बाद इसका ड्राइवर, ड्राइवर डालें आपने, ठीक 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 है, जैसे हम ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर जस्ट जब हम ये ड्राइवर इंस्टॉल कर देते हैं 6000 के, तो इसके बाद एक आइकन क्रिएट होता है सर, ठीक, आइकन क्रिएट हो गया, आइकन क्रिएट हो गया, जैसे वाईफाई का क्रिएट हो जाता है आइकन, हाँ, इसके बाद हमारा सर एक आइकन क्रिएट होगा, ठीक, फ्लेक्सिबल प्रिंटिंग की ऑप्शन होती है ना सर, ठीक 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 है, मतलब कि कंट्रोल पैनल में होती है, नीचे होती है, ठीक, ओके, यहाँ पर सर हमारे ड्राइवर शो कर जाएंगे IR 6000 के, ठीक 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 ठीक, पर इसके ऊपर चला के हम सिर्फ कमांड देनी है प्रिंट की, क्वांटिटी कंप्यूटर में लिखेंगे, हाँ, क्वांटिटी हम सर कंप्यूटर में देते हैं, जितने भी प्रिंट, अच्छा, की कमांड देनी है, अच्छा अच्छा, वो मशीन उसी हिसाब से चलने लग जाएगी, उसी हिसाब से, बोथ साइड, इसमें सर काफी मल्टीफंक्शन फंक्शन है, अच्छा अच्छा, बोथ साइड प्रिंटिंग, बुकलेट प्रिंटिंग, अच्छा, और इसके अलावा भी काफी थिकनेस पेपर को रिसीव करने की बाईपास, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो इन एडवांस में हम चले जाएंगे, एडवांस में, अभी तो ये बेसिक है, फिनिशिंग में जाकर, अभी तो ये बेसिक है, बेसिक है, ये ऐसे हम अपने एक कंप्यूटर से ये मशीन्स कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ओके, थैंक यू सर।